लिखिए बेटा आज के लेक्चर में एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन। टोटल फाइव ऑर्बिटल बेटा फ्यूज होंगे किसके, सेंटर एटम के। एसपी थ्री डी वन एस थ्री पी एंड वन डी एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन। टोटल फाइव ऑर्बिटल का फ्यूजन मींस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा उसमें आपको फाइव डायरेक्शंस मिलेंगे उसके ओरिएंटेशन में, क्योंकि फाइव ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन ना इन वेरियस कोवेलेंट मॉलिक्यूल एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन फॉलोइंग फोर केसेस, चार कंडीशनिंग वाले बेटा आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे जिनमें क्या होता है एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी थ्री भी फोर कंडीशन वाले पढ़े थे हम लोगों ने, कंप्लीट बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर, टू बॉन्ड पेयर एंड थ्री लोन पेयर, वन बॉन्ड पेयर। समझ में आ रहा है? तो एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन फोर कंडीशन वाले मिलेंगे। तो लिखिए बेटा केस नंबर वन, केस वन। तो देखिए बेटा टोटल फाइव ऑर्बिटल्स है, टोटल फाइव ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे आपको। With complete five bond pair, तो first case बेटा sp3d hybridization में with complete five bond pair means all five hybrid orbitals take part in binding. मीन्स कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम्पल लिखना बेटा, इसमें वेरियस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, किसी एक से एग्जाम्पल देंगे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल फाइव, तो सेंटर आइटम बेटा पीसीएल फाइव। स्टेप बाय स्टेप चलिए आप, सेंटर आइटम कौन है बेटा, फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, दिस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? तो ये फर्स्ट सेल बेटा, ये सेकेंड सेल, और ये कौन सा थर्ड सेल मीन्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वैलेंस सेल ही हाइब्रिडाइजेशन है, बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोला वैलेंस सेल को मैं यहाँ फोकस कर लेता हूँ, 3s2, 3p3। अब देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, थर्ड सेल में ऐसा है, थर्ड सेल में पी सब सेल है, तो थर्ड सेल में और कौन सा सब सेल होता है, डी, या थ्री डी भी है भैया, क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल यस, सेकंड सेल में एस एन पी, थर्ड सेल में यस पी एन डी, फोर्थ सेल में एस पी डी एफ। तो जो डी है वो वैकेंट है, खाली है, थ्री डी जीरो लिख दूं मैं यहां। ओके ठीक है, इसको ऐसे ऑर्बिटल लेवल पे बना लीजिए बेटा। और ये डी सब सेल देखिए, डी सब सेल कंसिस्ट हाउ मेनी ऑर्बिटल बेटा, फाइव ऑर्बिटल्स आ रहे हैं उसमें, एस में टू इलेक्ट्रॉन, पी दिस थ्री, और डी पूरा वैकेंट है। फिर आपको ये सोचना है बेटा फाइव क्लोरीन को बाइंड करने के लिए हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, फाइव। आपके पास अभी कितने हैं बेटा, थ्री अनपेड है, तो क्या लाएंगे, एक्साइटेस।
यहाँ जम करवा दीजिए। इसे बेटा मैं D1 लिख देता हूँ, ये D2 है, ये D3 है, ओके। अभी इसके एक्चुअल नाम बता चुका हूँ मैं, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2, DZ2। तो मैं यहाँ ये D1, D2, D3 लिख रहा हूँ, ओके, कोई दिक्कत? चलो ठीक। तो बड़ा अब यस में 1 अनपेयर लेफ्ट होगा, दिस पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल, दिस पी एक्स, दिस पी वाई, दिस पी जेड, दिस यस कंसिस्ट 1 अनपेयर, और ये बेटा डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल में 4 वेकेंट है, एक में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसको D1 लिख रहा हूँ बेटा अभी मैं, ओके। क्या लिख रहा हूँ? D1। दिस ऑल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाउ मेनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा? 5 1 या 3p1d हो गया, sp3d, दिस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। वेकेंट को छोड़ दीजिए आप, वेकेंट से कोई मतलब नहीं फिलहाल। बोला दीजा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंटर एटम कौन है बेटा? फास्फोरस, ऑफ फास्फोरस। ठीक है, कंसिस्ट 1 1 अनपेयर्ड। अब किसे बुलाएंगे बेटा? क्लोरीन को, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, उसका भी ऑक्टेन अब कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर बाइंडिंग। तो ये बार बार कर रहे हैं आप, तो आपको अब कंफर्म हो गया है सब, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में दिस 7th, ये 7 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा वो बाइंडिंग करेगा दिस, और ऑलवेज कौन सा बॉन्ड? सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं? एक्सजीएल, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बेटा आपका। इज दैट क्लियर? बार बार आप वही कर रहे हैं। ओके, अपने इस स्टेप से हम लोग एक्चुअल बना लेते हैं। चलिए इस स्टेप से ध्यान देना अच्छे से। तो बड़ा हाउ मेनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट? यस इज द स्फेरिकल डंबल शेप, दिस पी एक्स, पी वाई, पी जेड थोड़ा तिरछा, और डबल डंबल बेटा। D1 लिखना है इसको अभी, एक्चुअल कोई नाम नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में क्यों नहीं लिखाऊंगा बताऊंगा। यह बेटा D1 ऑर्बिटल डबल डंबल, दिस एस पी एक्स पी वाई पी जेड एंड दिस D1, ओके। अपने जब ये 5 ऑर्बिटल्स फ्यूज होंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो बड़े फ्यूजन करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनके एनर्जी और शेप क्या होगा? सेम होगा। इज दैट क्लियर? और ये अंडरस्टूड है पहले से कि जो 5 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा इसके 5 डायरेक्शंस होंगे। तो उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा? जो फिक्स है, जो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ओके। तो बड़े याद रखिए, वैसे देखे गए हैं ऐसे है, देखिए बेटा ये इस पैटर्न में हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर इस पैटर्न में है।
दिस 5U ऑर्बिटल इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कंसिस्ट 1-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अब बेटा क्लोरीन, क्लोरीन हेलोजन है बेटा Cl, जिसके आउटर मोस्ट में क्या है बेटा NH2 NP5। हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 और P में 5। तो S तो पेयर्ड है बेटा इसमें आउटर मोस्ट में, और P देख लिए पेयर्ड पेयर्ड, और ये क्या अनपेयर्ड। तो ये कौन सा है बेटा PZ। PZ क्या करेगा? ओवरलैपिंग, क्योंकि चाहे वो सेंटर एटम हो या सराउंडिंग एटम हो, इनके अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। बताइए ना, तो चलिए ये PZ, PZ कैसा है बेटा? डंबल शेप, इट इज द PZ। किसका PZ है ये? क्लोरीन का। कैसा है था बेटा? अनपेयर्ड, और इस अनपेयर्ड के साथ क्या हो गया है? पेयर्ड। इज दैट क्लियर? इसका ये PX है बेटा, ये क्या है? पेयर्ड। और ये PY भी क्या है भाई? पेयर्ड। दिस PX, दिस PY एंड दिस PZ, ये वाला बेटा। ओके, ये सब बार बार किया हम लोगों ने, कोई तकलीफ है आपको? हर चीज समझ में आ रही ना? हाँ, दिस इज द PZ ऑफ क्लोरीन। PX PY इज द पेयर्ड एंड दिस PZ, ये क्लोरीन एटम है बेटा। ये क्लोरीन एटम के ऑर्बिटल्स, दिस PX, दिस PY, PX पेयर्ड, PY पेयर्ड एंड दिस PZ। ये हो गया बेटा PZ अनपेयर्ड पेयर्ड, और कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा ये सब? एक्सियल। ठीक है, ये जनरली ऐसे कर सकते हैं आप, सीधे बना सकते हैं। PX, this PY and this PZ unpaired, after overlapping ये हो गया paired. They are the chlorine atom, first, second, third, this fourth chlorine और ये fifth chlorine. अब बेटा ऊपर ऐसे बना सकते हैं आप, लेकिन मैं इसे ऐसे कर दे रहा हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है मेरे पास। क्या आपको क्लियर हो गया? अरे रिस्पॉन्स दीजिए भाई। This PZ paired. ये सब कौन से बॉन्ड है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग, तो ये पूरे सिग्मा बॉन्ड है। दिस किसका नाम बता रहे हैं हम? आप देखिए बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिए सब लोग, जहां मेरी चौक चल रही है, देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा ये साहब? बोलिए sp3d, sp3d, दिस sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। बड़े इसमें जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ध्यान देना, ऊपर मुंडी करेंगे भाई। ये दूर एक ट्रेंगल बन रहा है, देखिए यहां ये ट्रेंगल बन रहा है, देखिए ट्रेंगल बन रहा है। जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा ये वाले, ये एक ही प्लेन में ऐसे ऐसे, मीन्स ये हो गया ये वाला, एक ऐसे एक ऐसे, एक ही प्लेन में है। और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, एक ऊपर और एक नीचे, ये 3 जो है 1 2 3 1 2 3, ये एक ही प्लेन में ऐसे आ रहा है इसमें। और ये 2 कैसे बेटा? एक प्लेन के नीचे है ये वाला, और एक प्लेन के ऊपर है, एज द पिरामिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिड। तो देखिए जो ज्योमेट्री आएगी उसका नाम देखिएगा, ज्योमेट्री देखिएगा, समझना अच्छे से। ज्योमेट्री चेक कीजिए आप, यही तो मेन है, इसको बनाना है आपको। ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है बेटा? इज द ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या डिसाइड करेगा? जो PCl5 मॉलिक्यूल है या कोई अदर मॉलिक्यूल, उसकी स्ट्रक्चर शेप या ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा। तो देखिए बेटा ये 3 सेंटर एटम, सेंटर में किसका ऑर्बिटल है? ये फास्फोरस। तो सेंटर एटम किसका है बेटा?
ओके ये थ्री ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन हो गया, किस पर है बेटा? ट्रेंगल के एंगल पे, 120 का ट्रेंगल है ये, ओके। अब दो जो ऑर्बिटल है ये इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे, ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में मीन्स ऐसे एक ऑर्बिटल ऐसा है फिर ये ट्रेंगल के एंगल पे, आ रहा है समझ में? ओके, दिस क्लोरीन, फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड, थर्ड। अब देखिए बेटा ये जो ट्रेंगल है कितने का है? ये 120 का। अब ये इस प्लेन के ऊपर है तो ये बॉन्ड एंगल कितने का हुआ? 90। और ये नीचे है तो कितने का हुआ? तो टू बॉन्ड एंगल्स मिल रहे हैं बेटा, 120 का, 120 का ट्रेंगल हो गया, ये वाला 120 है, ये वाला 120 है, और ये जो ऊपर गया ये 90, और प्लेन के नीचे है भी 90। तो 90 और 120 के टू बॉन्ड एंगल्स आपको मिलते हैं, किसमें बेटा? इन एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन विद कंप्लीट फाइव बॉन्ड पेयर, फाइव बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको, ओके। अब द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री, नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये कौन है बेटा? ट्राइगोन, और ये दो पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पायर, बाई मीन्स टू, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। तो नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री क्या बेटा? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, एंड बॉन्ड एंगल इज 120 एंड 90 डिग्री। छाप लीजिए, चलिए। तो बेटा नियम के मुताबिक नोट लिखिए, नोट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री की जो स्केल बनेगी आप, बेटा पीसीएल फाइव आर एनी अदर मॉलिक्यूल्स, नोट लिखिए प्लीज, पीसीएल फाइव आर एनी अदर मॉलिक्यूल इन विच एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट विथ कंप्लीट बॉन्ड पेयर। ये कंप्लीट बॉन्ड पेयर है बेटा, बिकॉज ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल बाइंडिंग कर रहे हैं। इन विच एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट विथ कंप्लीट बॉन्ड पेयर, फाइव बॉन्ड पेयर, देयर स्ट्रक्चर आर सेप इज ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, देयर स्ट्रक्चर आर सेप इज ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, इनका स्ट्रक्चर है सेप क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, एंड बॉन्ड एंगल इज 120 एंड 90, बॉन्ड एंगल इज 120 एंड 90। ओके, चलिए अपना केस नंबर सेकेंड हेडिंग डालिएगा, केस नंबर एसपी थ्री डी में, केस नंबर सेकेंड, एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन विथ वन लोन पेयर, एलपी फॉर लोन पेयर काउंट करेंगे, एंड फोर बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर एंड हो गए बेटा, फोर प्लस वन फाइव, टोटल फाइव ऑर्बिटल्स, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लिखना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एचसीएफ फोर मॉलिक्यूल, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एचसीएफ फोर मॉलिक्यूल, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ऐसे फोर मीन्स एक सल्फर के साथ फोर फ्लोरिन एटम, क्या कर रहे हैं बेटा? बाइंडिंग। चलिए आते हैं भाई इसमें, यस एचसीएफ फोर सेंटर एटम क्या बेटा? सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 3d वैकेंट है उसी थर्ड सेल में,
ओके तो बेटा केवल आउटर मोस्ट सेल को फोकस करो, वैलेंस सेल को 3s2 3p4 3d वैकेंट। एस में बेटा दिस टू, पी में फोर ऑर्बिटल फोर इलेक्ट्रॉन, और डी सब सेल में बेटा ये फाइव ऑर्बिटल्स। ओके इज दैट क्लियर? अब क्या सोचना है बेटा कि फोर फ्लोरिन के लिए फोर अनपेड चाहिए, आपके पास अभी कितने अनपेड है? टू अनपेड है। तो बेटा जो इस वैकेंट का इधर ध्यान देना सब लोग, अब ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, यस भी पेयर्ड है और पीएक्स भी, तो वैकेंट का नियरेस्ट पेयर्ड कौन है? पीएक्स। वैकेंट के नियरेस्ट पेयर्ड कौन है? पीएक्स। तो ये यहां जम करेगा बेटा, दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो बेटा यस के पास तो पेयर ऑलरेडी है अभी है। पी सबसेल कंसिस्ट थ्री अनपेयर्ड एंड डी सबसेल कंसिस्ट वन अनपेयर्ड। यस पी एक्स दिस पी वाई दिस पी जेड दिस डी वन। फिर से बेटा आल फाइव ऑर्बिटल वन पेयर्ड एंड फोर अनपेयर्ड। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वैकेंट को आप छोड़ दीजिएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ठीक बेटा, इट इज sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ध्यान दीजिए बेटा, आप सल्फर विथ ये आ गया वन लोन पेयर एंड फोर अनपेयर। ये फोर अनपेयर फोर फ्लोरिन के साथ क्या बनाएंगे बेटा? बॉन्ड पेयर। और जैसा क्लोरीन था इसके पहले वैसा फ्लोरिन है, क्योंकि दोनों हेलोजन है, दोनों के आउटर मोस्टल में सेवन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, ठीक है, विथ वन लोन पेयर एंड फोर बॉन्ड पेयर। दिस फ्लोरिन एटम ला लीजिएगा बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड। फ्लोरीन के जो पीजेड में ऑर्बिटल है, पीजेड में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा पीजेड ऑर्बिटल। फ्लोरीन के आउटर मोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सेवन। और जो अनपेड है वो पेयरिंग कर रहा है। ठीक है अंडरस्टूड है? ठीक है अब ध्यान देना बेटा, समझना। अब देखिए बेटा ये फिर से वही हो रहा है, बस ये ऑर्बिटल कैसा हो गया? पेयर्ड। बाकी सब कैसे है बेटा? अनपेयर्ड। तो फिर से वही ज्योमेट्री आएगी किसकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अरे ज्योमेट्री वही आएगी ना हाइब्रिड ऑर्बिटल की, मॉलिक्यूल की नहीं बोल रहा हूं, किसकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल का वही ओरिएंटेशन रहेगा, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? लोन पेयर। ये किसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, किसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आएगा? लोन पेयर। और थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी चेक दैट जो एक लोन पेयर आता है किसमें बेटा? पेंटा ट्राइगोनल बाईपायरामिडल ज्योमेट्री में जो एक लोन पेयर आता है वो ट्रेंगल के हेड पर होता है। कहां? ट्रेंगल का ये बेस है और ये क्या है बेटा? हेड। ये बेस है और ये क्या है? हेड। तो बेटा यहां आएगा, ये पोजीशन है उसकी, किसकी बोलिए? लोन पेयर की पोजीशन, ये लोन पेयर। आ रहा है समझ में? तो याद रखना अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में वन लोन पेयर आएगा तो उसकी पोजीशन हमेशा कहां रखना आपको? ट्रेंगल के हेड पर, फिक्स पोजीशन है उसकी, कहीं और नहीं। आ रहा है समझ में? तो बेटा अब देखिए, अब जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ट्राइगोन, सेंटर एटम कौन है बेटा? सल्फर, क्योंकि सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। तो बेटा इस
ट्रेंगल के हेड पर क्या आ गया बेटा, लोन पेयर सेंट्रेटम इज सल्फर, ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन, ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन, ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन, ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन। ओके ओके ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरीन के प्लेस पे कौन से एटम होगा बेटा, अरे फ्लोरीन एटम हो गए ना भाई, पीजेड ऑर्बिटल, फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, उनका पीजेड ही क्या है बेटा, अनपेयर्ड। वही कौन सी ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल, किसके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, ये सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, विद वन लोन पेयर एंड फोर बॉन्ड पेयर। आ रहा है समझ में, ठीक। अब देखिएगा इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो बेटा आप गार्डन गए, गार्डन गए हो, गार्डन गए हो ना, तो देखिए इधर छुटकी और इधर मुटकी, झूला सीसा, कौन सा बेटा सीसा, सीसा सेब बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, सीसा सेब, क्या बोलेंगे इसे, सीसा सेब। इज दैट क्लियर, क्लियर, देखिए नोट, तो ये बेटा सीसा सेब, अब देखिए बेटा बॉन्ड एंगल पे बात कर लेते हैं, देखो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, देखो बेटा यहां लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या प्रोड्यूस करेगा, रिपल्सन, तो ये देखो एक ही प्लेन में ना, ये एक ही तल में ना, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये तो 90 का रहेगा, अरे ये तो 90 का ही रहेगा, ये ऐसे है ना भैया, ये 90 एंड एक, ये तो फिक्स 90 का मिलेगा आपको इस एक्सिस से, ओके, ये 90 का ही मिलेगा आपको, लेकिन ये लेस देन 120, क्योंकि लोन पेयर अपने ही प्लेन में जो अदर है उन पे क्या डालेगा बेटा, रिपल्सन डालेगा, समझ में आ रहा है, तो एक 90 का तो मिलेगा ही, इन लेस देन 120। तो सीसा सेप स्ट्रक्चर या सेप की बात करेंगे बेटा, और बॉन्ड एंगल एक 90 एंड लेस देन 120। आ रहा है समझ में, ठीक, नोट लिखिए, नोट इंपॉर्टेंट, SF4 लाइक मॉलिक्यूल, SF4 लाइक मॉलिक्यूल इन विच sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट, इन विच sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट विथ वन लोन पेयर एंड फोर बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर एंड फोर बॉन्ड पेयर, देयर स्ट्रक्चर आर सेप इज सीसा सेप, देयर स्ट्रक्चर आर सेप इज सीसा सेप, सीसा झूला होता है ना बेटा गार्डन में, पता है ना आपको, स्ट्रक्चर आर सेप क्या बेटा, सीसा सेप, इंपॉर्टेंट करो उसको, अंडरलाइन करो जो स्ट्रक्चर का नाम है, एंड बॉन्ड एंगल इज बिकम 90 एंड लेस देन 120, एक बॉन्ड एंगल तो 90 का ही रहेगा बट, लेकिन दूसरा क्या रहेगा, लेस देन 120 का। याद रखना जो तीनों, ये जो थ्री ऑर्बिटल्स है बेटा, ये एक ही प्लेन में है, ये जो थ्री ऑर्बिटल है ये ऐसे ऐसे, एक ये दो और ये तीन, आरएस में, तो ऐसा जो बॉन्ड चला वो 90 का और ऐसा जो चला वो 90 का, आरएस में याद रखिए, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, केस नंबर थर्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ टू लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर, केस नंबर थर्ड, टू लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर, टोटल फाइव फिर से ऑर्बिटल, एग्जाम्पल लिखना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ICl3 मॉलिक्यूल, ICl, देखो बेटा एक ऐसे मॉलिक्यूल है, देखो आयोडीन क्या है, हेलोजन, और क्लोरीन भी क्या है, हेलोजन,
तो हेलोजन हेलोजन के बीच में बाइंडिंग हुई है। आयोडीन ट्राइक्लोराइड या ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है बेटा, CLF3 या IF3, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है। तो कोई भी मॉलिक्यूल पे आप दे सकते हो, IF3 पे दे दो चलो। तो सेंटर एटम कौन बेटा? आयोडीन। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 55। कितना है भाई आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 55। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सेंटर एटम कौन है बेटा? IF3 अगर मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर रहा हूं तो सेंटर एटम कौन है? आयोडीन। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 55 है के 53 है? 53। जिनान 54 है ना आयोडीन के बाद? 53। ओके चलो थोड़ा सा वो अलर्ट रहो यार, होश में रहो। अब बेटा 53 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे, और लिखने के बाद भी सिलेक्ट किसको करते हैं आप? आउटर मोस्ट सेल को, तो डायरेक्ट आउटर मोस्ट सेल का लिख दो ना, कोई दिक्कत? अरे मैं पूरा 53 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्पेस कम है, और सिलेक्ट किसको करूंगा? आउटर मोस्ट सेल, तो डायरेक्ट किसका लिख दो बेटा आप? अब तो इतना सीख गए हो ना आप, तो सीधे इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है बेटा? NES2, N मीन्स नंबर ऑफ सेल, NP5, ND क्या पड़ा है? वैकेंट। उसी सेल में ND है, P के बाद D जाता है ना भाई। तो S में कितना बेटा? P में कितना बेटा? 5। और D सब सेल क्या है बेटा? वैकेंट। तो 3-फ्लोरीन को बाइंड करने के लिए कितने अनपेड चाहिए? 3 अनपेड। तो वैकेंट का नियरेस्ट पेड कौन है? PY है। तो यहां से बेटा जंप करवा दीजिएगा, जैसे D1 D2, ओके D3 D4 D5। मैं इनके एक्चुअल नाम नहीं लिख रहा हूं, यहां कुछ क्वेश्चंस है बाद में बताऊंगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। देखिए बेटा मैंने क्या किया, वो सेंटर एटम सिलेक्ट करके उसका डायरेक्ट आउटर मोस्ट सेल का लिख दिया हूं, क्योंकि पूरा लिखता तो भी सिलेक्ट किसको करना था? आउटर मोस्ट सेल को। तो ये आप शॉर्टकट में लिखना सीखो, आप बार बार वही पढ़ रहे हो तो आप क्या बेटा शॉर्टकट में लिखना सीखो। तो NH2NP5S2, ये P5, ये हुआ बेटा एक्साइटेशन। ओके यस, ऑलरेडी पेयर्ड PX, ऑलरेडी पेयर्ड PY, अनपेयर्ड PZ, अनपेयर्ड। और बेटा डी सबसेल का जो 1 ऑर्बिटल है ऑल्सो कंसिस्ट 1 अनपेयर्ड, दिस ऑल 5 ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन बिफोर ओवरलैपिंग आर बाइंडिंग, दिस एस, दिस PX, दिस PY, दिस PZ, दिस D1। ओके ठीक है। तो नेम ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन SP3D ऑल्सो, ठीक है। तो ये बेटा आपको आयोडीन के SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। दिस पेयर्ड अनपेयर्ड। द नेम ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन विथ टू लोन पेयर है बेटा, और ये 3 अनपेयर क्या बनाएंगे? बॉन्ड पेयर। टू लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। अब फ्लोरीन को कॉल कर लीजिएगा, फ्लोरीन के साथ बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के जो अनपेयर्ड होगा वो PZ में ही होगा, फिर से ही आ गए। ओके तो बेटा इस लेवल से एक्चुअल बनाया आप लोगों ने, इस लेवल से तो फिर से वही। अब आपके पास PX भी क्या है बेटा? पेयर्ड, यस पेयर्ड। तो फिर से वही ओरिएंटेशन आएगा किसका? हाइब्रिड। अब आपको उसको बार बार नहीं बनाना है बोला मैंने, अब डायरेक्ट यही वाला बनाना है बस। ओके इसको एक बार बना ली ना आपने, अब अंडरस्टूड है वो। ओके
अब देखिए बेटा, अब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो टू लोन पेयर आए क्या है बेटा, तो ध्यान दीजिए इधर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो टू लोन पेयर आते हैं, समझना बेटा, अगर वन आता है तो उसकी पोजीशन कहां है, ट्रेंगल के हेड पर, कहां है बेटा। अगर मान लो टू लोन पेयर आ रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में तो ट्रेंगल के बेस में, एक है तो ट्रेंगल के हेड में रहेगा, लेकिन दो लोन पेयर आएंगे तो कहां पोजीशन है बेटा उनकी, ट्रेंगल के बेस में। मीन्स ये वाला जो हेड ऑर्बिटल है ट्रेंगल का, ये भी काय में पार्टिसिपेट करेगा बेटा, बोलो, ओवरलैपिंग में, किसके साथ, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है ना भाई, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, pz, px पेयर्ड है, py भी पेयर्ड है, वो यहां आएगा। कौन सी ओवरलैपिंग बेटा, एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल। और जो टू लोन पेयर है उनकी पोजीशन ऑलवेज कहां देखी गई है, कहां चेक की गई है, ट्रेंगल के बेस। आ गया समझ में, ओके। ये क्या बना बेटा, वन बॉन्ड पेयर वन पिरामिड पे, सेकेंड बॉन्ड पेयर लोअर पिरामिड पे, और ये एक बॉन्ड पेयर ट्रेंगल के हेड पर, ओके। ये फिक्स है, इसमें आप अपने तरफ से कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आ रहा है समझ में। तो आप जो स्ट्रक्चर आएगा बेटा, ध्यान दीजिए, तो स्ट्रक्चर देखिएगा, ये आप पहले ट्रेंगल बना लीजिए, बड़ा इमेजिंग लाइन है ज्योमेट्री की, ओके। तो बड़ा सेंटर एटम किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आयोडीन, सेंटर एटम आयोडीन, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेंटर में देना है आपको। ये वन फ्लोरीन, दिस सेकेंड फ्लोरीन इज अपर पिरामिड, थर्ड फ्लोरीन इज लोअर पिरामिड, और ये किसकी पोजीशन है बेटा, लोन पेयर की पोजीशन है, आ रहा है समझ में। अब स्ट्रक्चर देखिएगा, अरे टी शेप दिख रहा है, कौन सा शेप बेटा, टी शेप, दिस टी शेप, किसका ओरिएंटेशन है, ये बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर जिस डायरेक्शन में आता है, सच डायरेक्शन नॉट काउंट फॉर स्ट्रक्चर आर शेप। ये बॉन्ड पेयर का ओरिएंटेशन कैसा है बेटा, टी शेप है, अरे है ना, ठीक है भाई। तो स्ट्रक्चर क्या बेटा, टी शेप, कैपिटल टी। बॉन्ड एंगल बोलिए 90, 120 का गायब हो गया, किसका 90, चलिए सीधे आप केवल यही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। कहां से आए हो पहले से पता कर गए हम लोगों ने, फर्स्ट टाइम में आप पूरा बनाएंगे, लेकिन उसके जो अदर केसेस में केवल स्ट्रक्चर या सेप बनाएंगे, पूरी प्रोसेस को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके लिए कि यार कैसे होता है ये सब। हो गया क्लियर, नोट लिखो बेटा, नहीं बेटा IF3 आर अदर मॉलिक्यूल्स, ये नोट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, नोट के लिए पूरा पढ़ाया जा रहा है। और याद रखिए 11th केमिस्ट्री केवल 11th के लिए नहीं होती है, ये थ्योरियों को पाल के जितना रखोगे आप, पूरा का पूरा फिर से 12th में काम आने वाली। और हम लोग ये पूरा कर किसके लिए रहे, बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये समझ लो कि बहुत सिलेबस था, उसको दो क्लास में बांट दिया, 11th एंड 12th, बोर्ड में सब का सब चीज़ें यूज होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूरी चीज़ें यूज होती है, आ रहा है इसमें। तो बेटा IF3 आर अदर मॉलिक्यूल्स इन विच sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट विथ टू लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट विथ टू लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर, देयर स्ट्रक्चर आर शेप इज बिकम टी शेप। इनका स्ट्रक्चर आर शेप क्या होगा बेटा, टी शेप, एंड बॉन्ड एंगल इज 90 ओनली। तो
कुल 98 बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको, 120 तो गायब हो गया क्योंकि जो बेस के ऑर्बिटल्स थे उनमें क्या आ गया बेटा, लोन पेयर, इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका, समझ में आ रहा है। बॉन्ड एंगल 90, इज दैट क्लियर? देखिए अब केस नंबर 4, ठीक है, इत्मीनान से पढ़ना है बेटा। देखिए अदर स्कूल में तो केवल 7 डेज में बाइंडिंग खत्म कर देते हैं, हमारा 7 डेज तो आईविडाइज से नहीं चल रहा है, पूरा चैप्टर ही 2-3 दिन में खत्म बोले चलो, वो सब नहीं चलता यहाँ, समझ में आ रहा है ना। पूरा 1 by 1 इत्मीनान से पढ़ोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो इस साल जो 11 वाले हैं उनका तो लाइफ ही खराब हो जाएगा क्योंकि बेसिक खत्म हो जाएगा, और बेसिक के लिए आपको इत्मीनान से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। आप लिखिए बेटा केस नंबर 4, SP3 आर्बिटाइजर विथ 3 loan pair and 2 bond pair, लास्ट केस है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ XZF2 मॉलिक्यूल जिनान डाइफ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ XZF2। अब बेटा जिनान देखिए, हेलो ध्यान देना बेटा, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडॉन है, इनके बारे में पता है, नोबल गैस है बेटा, नोबल एटम्स है, दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग क्योंकि इनका ऑक्टेंट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट NH2NP6 होता है इनके आउटर मोस्ट सेल का, तो ऑक्टेन क्या है बेटा, कंप्लीट है। लेकिन जो जिनान है बेटा, कौन जिनान, कौन भाई जिनान, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ, जब जिनान फ्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या जिनान का कोई इंटरेस्ट नहीं है बाइंडिंग में, किसका इंटरेस्ट है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन जिनान पे अटैक कर सकता है क्योंकि जिनान का साइज टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है मालूम है, तो इसका IP क्या हो जाता है बेटा, कम। IP क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, तो जिनान का IP कम है इसलिए उस पर फ्लोरिन अटैक करके उससे बाइंडिंग जबरदस्ती कर लेता है। वैसे बाय द वे आपको पता होना कि नोबल गैस एटम जनरली नॉट पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग, ये एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स है सब। फ्लोरिन बेटा हमारी केमिस्ट्री का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन बेटा फ्लोरिन, वो जब जिनान के कॉन्टेक्ट में आएगा तो फ्लोरिन है, ऑक्सीजन है, सेकेंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबरदस्ती बाइंडिंग कर लेता है किससे बेटा, जिनान से, तो इस तरह से जिनान भी कंपाउंड बना लेता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैस एटम नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंडिंग, लेकिन यहां रोल है फ्लोरीन का, आ रहा है समझ में। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए अच्छे से, तो सेंटर एटम कौन है भाई, बहुत ही प्यारा मॉलिक्यूल है बेटा जिनान डाइफ्लोराइड, क्या नाम है इसका, जिनान डाइफ्लोराइड, सेंटर एटम कौन बेटा, जिनॉन 56 क्या 54, शाबाश होश में हो, हाँ जिनान क्या बेटा 54, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की अब जरूरत कहाँ का सिलेक्ट करना, सीधे आउटर मोस्ट, तो इनका ऑक्टेन क्या होता है बेटा NH2NP6, ND खाली है इसमें, अरे अगर लास्ट सेल में ऐसा पिए तो डी तो होगा ही ना भाई, तो बेटा चले आप वही स्टेप, आप तो सीख ही गए भैया, आप तो आप टीचर हो जाएंगे, ये 5 ऑर्बिटल्स बेटा, P6 है ध्यान दीजिए। अब आप सोचिएगा भाई जिनान जिसका ऑक्टेन क्या है बेटा, कंप्लीट है, पूरे के ऐसे इलेक्ट्रॉन है बेटा पेयर, लेकिन इसको किससे बाइंड होना है बेटा, फ्लोरीन से, तो मिनिमम 2 क्या चाहिए बेटा, अनपेयर, तो क्या लेके आएंगे, एक्साइटेशन, तो ये नीरेस्ट पेयर को वैकेंट में जम करवा दीजिएगा, दीजिए एक्साइटेशन, क्या आपको क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक, तो यस ऑलरेडी पेयर है, PX भी पेयर है, PY पेयर है, PZ बेटा अनपेयर हो गया, बिकॉज यहां का एक इलेक्ट्रॉन कहां जम कर गया बेटा, D1 में, अभी उसे D1 ही काउंट करेंगे आप, एक्चुअल कौन सा डी ऑर्बिटल है वो सब बाद में बताऊंगा मैं,
RSS में. दिस ऑल फाइव ऑर्बिटल 1s 3p and 1d पार्टिसिपेट इन फिर से sp3d हाइब्रिडाइजेशन. पूरे डिस्क्रिप्टिव आंसर दे रहे बेटा हम लोग, समझ में आ रहा है ना. sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलने वाला है भाई. एस पेयर दिस अनपेयर ऑफ फ्लोरिन आएगा बेटा यहाँ बाइंडिंग करने. फ्लोरिन के आउटर मोस्टल में 7 इलेक्ट्रॉन, जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर है, जो किस ऑर्बिटल में है बेटा, pz. समझ में आ रहा है ना. तो ये हो गया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ज़ीनॉन विथ 3 lone pair एंड 2 bond pair. ऐसे लिखा आपने. ओके ये 12th में भी आता है बेटा ये वाला ज़ीनॉन, क्योंकि नोबल गैस के कंपाउंड का स्टडी कहा है बेटा 12th में, तो ये पूरा पूछता है वहां. तो आप 12th का भी स्टडी कर रहे हैं RSS में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के थ्योरी के कारण आप 11th में भी पूछे पढ़ रहे हैं. ऐसे बातें आपके. ओके तो बेटा आप देखिए SpX एंड PY ये तीनों क्या है बेटा, पेयर्ड. फिर से 5 ऑर्बिटल आएंगे किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लेकिन किन्हीं 3 ऑर्बिटल्स पे क्या रहेगा, लोन पेयर. तो बेटा अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक ही लोन पेयर आ रहा है तो ट्रेंगल के हेड पर, 2 lone pair आ रहे हैं तो ट्रेंगल के बेस पर, और 3 lone pair आ रहे हैं तो ट्रेंगल के ऑल एंगल्स पे डाल देना, हेड पे भी और बेस पे भी. यहां आ जाएगा बेटा. ओके तो बेटा ये तीनों डायरेक्शन अब स्ट्रक्चर है, सेप के लिए काउंट नहीं होगा. अब इस डायरेक्शन में भी क्या आ गया बेटा, लोन पेयर, तो उसे ऑर्बिटल के अंदर शो करेंगे. सेंटर एटम कौन बेटा, ज़ीनॉन, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब ज़ीनॉन का हो गया भाई. ओके एंड दिस 2 fluorine विथ सिग्मा बॉन्ड. ऐसे इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर ऐसे अब दिख रहा है लीनियर. थर्ड टाइम लीनियर मिला. पहला लीनियर कहां मिला था, एसपी में. दूसरा कहां मिला, sp3 के 3 lone pair and 1 bond pair में. और थर्ड कहां मिला, sp3d के 3 lone pair and 2 bond pair. अरे लीनियर ही प्रेजेंट है ना ये. ओके तो बेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर. तो बॉन्ड एंगल बेटा 180, ये सीधे 180 का बॉन्ड एंगल है यार. इज दैट क्लियर? ठीक. तो बेटा एक लेक्चर और चलेगा जिसमें sp3d2 एंड sp3d3 दोनों को एक ही लेक्चर में काउंट करेंगे. उसके बाद पूरे का समरी करेंगे. ओके फिर नेक्स्ट थ्योरियां देखेंगे. RS हाँ ओके नोट लिख लो, अंडरस्टूड है. बेटा XZF2 आर अदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, केवल XZF2 नहीं, आर एनी अदर मॉलिक्यूल्स इन विच sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट विथ 3 lone pair and 2 bond pair. थ्री लोन पेयर एंड बेटा 2 bond pair, देयर स्ट्रक्चर आर सेम, इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180. सेंटर एटम से बॉन्ड पेयर को चेक करना है. सेंटर एटम से किसको बेटा, बॉन्ड पेयर के ओरिएंटेशन को चेक करना है. समझ में आया?